असली ड्रामा तो अब स्टार्ट होता है। तमाशा ऐसा बढ़ता है ना कि देखो गुरु लोग जो सबके जो रेफरेंसेस निकल कर आते हैं ना आज के एपिसोड के, तो पता चलता है कि भाई जो विनायक की मॉम है ना उसको जैसे पता चलता है कि अर्जुन की जिस लड़के से शादी हो रही है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो वो इस शादी को रोकने के लिए भाई गाँव से यहाँ आती है। और जो तमाशा क्रिएट होता है ना, और यहाँ आज के एपिसोड के रेफरेंसेस की बात करें ना भाई, तो इसमें एक दो कैरेक्टर नहीं बल्कि पांच पांच नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। विनायक का बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, उसकी दो बहनें और उसकी मॉम। अब तुम सोच सकते हो कि कितना बड़ा तमाशा होगा और अर्सी की शादी तोड़ने के लिए वो क्या क्या प्लानिंग बनाएंगे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सृष्टि को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अर्सी उनको अपना नहीं मानती है और बस इस चीज का बदला उनको लेना होता है। लेकिन सच में ये मजेदार तब बन जाती है जब अनिरुद्ध को पता चलता है भाई की झनक भी गायब हो चुकी है और अब उसको खोजना भी है, क्योंकि झनक के मन में भी कुछ ऐसे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं जो उसे पूरी तरीके से अब खुद पे से कंट्रोल हटा देते हैं। और ये सारी चीजें मिला करके तुम कह सकते हो कि भाई ये मास्टरपीस बनाने वाले हैं। तो गुरु लोग आज के एपिसोड ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसमें प्लॉट्स कम है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मिस मत करना बिल्कुल भी।